नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विराम वार्ष्णेय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एक स्ट्रे डॉग है जिसके पिछले वाले पैर में ऑस्टियोसारकोमा वाली समस्या हो गई थी, जिसके कारण इसे चलने में काफ़ी परेशानी हो रही थी और लगातार इसके ब्लड यहाँ से रिसता रहता था। कुछ बच्चे इसे डॉग को मेरी क्लिनिक पर लेकर आए, उन्होंने बताया कि इसे हम कई दिनों से इसका इलाज करवा रहे हैं लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा। दोस्तों, इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद हमने डिसाइड किया अगर इस डॉग की ज़िंदगी बचानी है तो इसका हमें नीचे से पैर एम्पूटेट करना पड़ेगा, क्योंकि यह ट्यूमर बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ फैल रहा है। जो बच्चे इसे मेरे पास लेकर आए थे वो बता रहे थे ये आज से 2-3 महीने पहले ये ट्यूमर काफ़ी छोटा सा था, लेकिन पिछले 2 महीने में ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ फैल गया है। दोस्तों, इसकी सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में की गई थी और हमने इसका पैर एम्पूटेट कर दिया है। अब जो ये आप वीडियो देख रहे हैं ये जस्ट सर्जरी के बाद का है, और ये जो ट्यूमर सहित जो नीचे का पार्ट है उसे हमने काट कर अलग कर दिया है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ा ट्यूमर है। डॉग इससे काफ़ी परेशान हो रहा था। यह सीन सर्जरी के तुरंत बाद का है, और अब जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इस सर्जरी के अगले दिन का है, जिसमें डॉग अब 3 पैर से काफ़ी अच्छे से चल पा रहा है, और जो बच्चे इसे मेरे पास लेके आए थे वही इसकी देखभाल कर रहे थे, और करीब 15-20 दिन बाद धीरे धीरे करके इसके घाव में भी काफ़ी आराम मिल गया था। और ये जो सीन अब आप देख रहे हैं ये सीन सर्जरी के 60 दिन के बाद का है, जिसमें इसके टांके पूरी तरह से सही हो चुके हैं और घाव भी पूरी तरह से अब भर चुका है। इस तरह की सर्जरी तभी सफल हो पाती है जब पशु मालिक द्वारा सभी दवाइयों का सही से फॉलोअप किया जाता है और डॉक्टर के बताए हुए सभी निर्देशों का सही से पालन किया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो सर्जरी के 60 दिन के बाद का है, जिसमें आप देख पा रहे हैं इसका पैर बिल्कुल पूर्ण रूप से सही हो चुका है और ये अपने 3 पैरों पर सही से वेट ले रहा है। दोस्तों, इस तरह के किसी भी शल्य चिकित्सा एवं इलाज हेतु आप हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और समय रहते अपने पशु की जान बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।